बेटा आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ का। ये हमने यहाँ पे टू एटम्स लिए, एक एटम ए हो गया, एक एटम बी हो गया। ये एटम ए का न्यूक्लियस है और ये एटम बी का न्यूक्लियस है। तो अब आप देखिए, जो ये आपके दोनों एटम है और ये जो इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, सबसे पहले आप इसकी बात करें, ये चीज यहाँ पे क्या है, इतनी, ये है आपकी आर ए। आर ए का मीनिंग क्या हुआ, रेडियस ऑफ ए, ठीक है। और फिर ये जो आपका डिस्टेंस है इतना, ये क्या आया, आर बी, मतलब रेडियस ऑफ बी एटम, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस होगी एटम ए की और एटम बी की, ओके। और जो ये पूरा डिस्टेंस है इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस के बीच का, ये है आपका डी। और डी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डी को बेटा आप यहाँ पे क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में। तो जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमारे दो एटम है ए और बी, आपको समझ में आ गया होगा। ये ए एटम का न्यूक्लियस का सेंटर है और ये ए एटम की आउटर मोस्ट शेल है। इसके बीच का डिस्टेंस, इसके रेडियस होगी ए एटम की, ऐसे ये आपके रेडियस हुई बी एटम की, ठीक है। और जो आपका एटम ए और बी है, इनके न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये ही हमारा होता है बॉन्ड लेंथ। बेटा नोटबुक सब बच्चे अपनी साथ साथ पूरी कर रहे होंगे, अब मैं सभी के पास फोन भी कर रही हूँ, डेली बात करती हूँ मैं आप लोगों से, तो अब किसी की पेंडेंसी ना रहे बेटा होमवर्क की। तो ये हमारी बॉन्ड लेंथ हुई, अटेंडेंस लूंगी बिल्कुल क्लास के लास्ट में। ये आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड लेंथ क्या होती है या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपका क्या होता है। तो आप ये लिख सकते हो, जो आपका डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ डी, वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी के इक्वल, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। अब अगर हमें बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना है तो डिफाइन आप कैसे करोगे, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी, ठीक है। जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है दो एटम के बीच का, या आप ये कह सकते हो बिटवीन टू एटम ना लिखो तो बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें। इसे आप सब नोट डाउन कर लें, बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा। तो मैंने आपको समझा दिया है, जो दो एटम के बीच का डिस्टेंस होता है उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसको आप नोट डाउन, तो ये बेटा आपने लिख लिया होगा, इसको रब कर देती हूं मैं। अब हम यहां पर पढ़ेंगे फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है, ठीक है। हम बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स आज डिस्कस कर रहे हैं, हम फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर कर रहे हैं, वहां हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। अब हम ये पढ़ेंगे विच आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। समझे ध्यान से, हेडिंग डाल लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बेटा ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर है हमारा ऐसा, साइज ऑफ एटम,
फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, साइज ऑफ एटम है, ठीक है। तो एटम के साइज का क्या फर्क पड़ेगा बॉन्ड लेंथ पे, ये हमें पढ़ना है। तो आप क्या कहेंगे, जितने बड़े साइज का एटम होगा ना उतनी ही बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। तो आप क्या बोलेंगे, लार्जर द साइज ऑफ एटम, लार्जर द साइज ऑफ एटम, मोर विल बी बॉन्ड लेंथ। जितना बेटा एटम का साइज बड़ा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब आप समझे कैसे, तो मान लीजिए बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया एक, फोर एग्जाम्पल, एक मैं ले रही हूँ एच आई, एक मैं यहाँ पे लू एच बी आर, एक मैं यहाँ पे लू एच सी एल, और एक मैंने यहाँ पे लिया एच एफ। ये हमारे चार एटम है, चार कंपाउंड है, सॉरी, एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड, एच बी आर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड, एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आपको ये बताना है इन चारों में से सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। तो आप लोग बेटा एक बात देख पा रहे होंगे, सभी में एक एटम तो सेम है क्या, एच। तो ये मेरे पहले का एच एटम हो गया, ये मेरा दूसरे में एच एटम हो गया। एच एटम का तो हर जगह सेम ही साइज रहेगा। ये मेरा थर्ड में एच एटम हो गया और ये मेरा फोर्थ एच एटम हो गया, हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ पर हेलोजन एटम कौन कौन है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले फ्लोरीन है, तो मान लिया भाई ये हमारा साइज हुआ फ्लोरीन का। यहाँ पर कौन है, क्लोरीन, तो आपको ये पता है क्लोरीन बड़े साइज का होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। यहाँ पर कौन है बेटा, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन और बड़े साइज का होता है। और यहाँ पर क्या है, आयोडीन, तो आयोडीन तो और भी बड़े साइज का होता है, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा इन चारों में। ये देखिए ये इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ, यहाँ पर ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। तो चारों में सबसे ज्यादा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किस केस में है, एच आई के केस में। क्यों है, क्योंकि आई का साइज सबसे बड़ा है। आई का साइज क्या है बेटा, सबसे बड़ा है। तो अगर साइज बड़ा होगा एटम का तो उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। तो इन चारों में सबसे बड़ा साइज किसका हुआ, एच आई का हुआ। एग्जाम में बेटा इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको दो तीन कंपाउंड लिख के दे देंगे, ठीक है। और आपको ये बताना होगा इन सभी कंपाउंड में से सबसे ज्यादा यहाँ पर किसकी बॉन्ड लेंथ है। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है, जहां एटम का साइज बड़ा होगा ना उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बेटा अगर कभी नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा पुअर हो जाए, ठीक है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो बेटा प्लीज रिकॉर्डिंग एच डी में भेजती हूँ आपके पास। आपका जो भी टॉपिक स्किप होता है, जो समझ में नहीं आता, उसमें से आप लोग पढ़ा करो अच्छे से, नोट्स अपने प्रिपेयर किया करो। तो ये पहला फैक्टर हमारा हुआ साइज ऑफ एटम का, कि जितना बड़े साइज का आपका एटम होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। तो आपको ये फर्स्ट टॉपिक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। जहां भी आप लोगों को डाउट होता है ना, प्लीज रेज योर हैंड, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपने नहीं रखना है। जहां भी डाउट होता है वहीं पे मुझसे पूछा करो बेटा, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा ही नहीं रिकॉर्डिंग, या इसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं हुआ। जिस बच्चे को जहां भी जिस लाइन में कंफ्यूजन होता है, बिना हेजिटेशन के बेटा पूछा करो, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा साइज ऑफ एटम का, ओके, कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्टर हम कर रहे हैं, सेकेंड फैक्टर हमारा, और सेकेंड फैक्टर होगा हमारा, ये रब कर देती हूँ, फिर मैं पहले टॉपिक समझा देती हूँ, फिर एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद सेकंड है हमारा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ का सेकंड पैरामीटर है हमारा अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। बेटा सेकंड फैक्टर क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। आप समझे इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो इसका मीनिंग ये है मल्टीपल बॉन्ड। बेटा मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हम किसको कहते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में नहीं आता, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपका मल्टीपल बॉन्ड होता है, ओके।
तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो सिंगल बोन्ड होता है ना वो सबसे लंबा होता है, सिंगल बोन्ड से छोटा होता है डबल बोन्ड, और डबल बोन्ड से छोटा होता है ट्रिपल बोन्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बोन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमारा किसका है, बोन्ड लेंथ का है, कि सिंगल बोन्ड सबसे लंबा होता है, डबल बोन्ड उससे छोटा होता है, और ट्रिपल बोन्ड सबसे छोटा होता है। बेटा प्लीज क्लास छोड़ के मत जाया करो आप लोग, अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो फिर दोबारा कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, सिंगल बोन्ड सबसे लंबा होता है, डबल बोन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बोन्ड उससे भी छोटा होता है। आप लोगों को ये सब तो पता होगा ना, सिंगल डबल ट्रिपल बोन्ड क्या होता है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, और वो एग्जाम्पल हमारा क्या है आप लोग देखिए। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बेटा, एक मैं तीन कंपाउंड यहाँ पे लिख रही हूं, इथेन, इथीन और इथाइन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। आप लोग बेटा आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे बताओ, इथेन, इथीन और इथाइन, इन तीनों में से सबसे लंबी बोन्ड लेंथ किसकी है, अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो बताइए बेटा। बेटा आज मैंने आप लोगों को म्यूट करी, ठीक है एक मिनट, वन मिनट, लो बेटा मैंने आप लोगों को खुद से, तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, अब जिसको बताना हो बोल दो। इथेन, इथेन, बिल्कुल ठीक है बेटा, बस मैं ऐसे आपको अनम्यूट रखूंगी, खुद अपना माइक आप लोग बंद कर ले, जब भी कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा, बस डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए क्लास में। इथेन सबसे लंबा होगा, क्योंकि आप लोगों को ये सब तो ध्यान होगा ना टेंथ क्लास का, एन, एन मतलब सिंगल बोन्ड, इन मतलब डबल बोन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बोन्ड। ठीक है, तो सिंगल बोन्ड वाला कंपाउंड सबसे लंबा होगा, क्योंकि यहाँ बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड है। अब अगर यू आ जाता एग्जाम में C2H6, C2H4 और C2H2, तो आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। C2H6 खोल के लिख लो, यहाँ जनरल फॉर्मूला ये वाला है ना, CnH2n+2, और आपको पता है ये जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्केन का। यहाँ आप देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है, CnH2n, और आपको पता है ये फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का। और लास्ट आपका बेटा क्या है यहाँ पे, ये वाला CnH2n-2, और आपको ये भी पता होगा ये फॉर्मूला किसका है, एल्काइन का। ठीक है, तो कर लोगे बेटा, तो ये आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो गया, इन तीनों में सबसे लंबा बोन्ड एल्केन का होगा। तो आप लोगों को सेकंड फैक्टर समझ में आ गया होगा ये वाला, तो इसके बाद अब हम थर्ड यहाँ पे फैक्टर करेंगे जो अफेक्ट कर रहा है बोन्ड लेंथ को। इसको रब कर देती हूँ बेटा, हो गया होगा आप लोगों का। इसके बाद बेटा आप थर्ड देखिए, यहाँ पे थर्ड फैक्टर जो हमारा है बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा आप लोग कहोगे मैम ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बेटा अभी आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन ये टॉपिक आपका है इसी चैप्टर में। ओप्टा मैं आप लोगों को बताना भूल गई एक बात, अभी मैंने आप लोगों के पास PDF भेजे है, इस बार आप लोगों का सिलेबस थोड़ा कम किया है CBSE ने बेटा, 30% के आसपास हमारा सिलेबस कम किया है CBSE ने, पर बेटा हम 11th क्लास में हैं और अगले साल दोबारा ये टॉपिक्स ऐड होंगे, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम सारे टॉपिक्स को पढ़े, कुछ भी ऐसा टॉपिक ना छोड़े जो हम नहीं पढ़े, तो हमें फिर 12th में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये बेटा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ना ही लेट शुरू किया, जिनकी आज तक क्लासेज ही नहीं लगी है, हम लोग तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटा एक बार आप उस टॉपिक से गो थ्रू होना, किस चैप्टर से क्या कट हुआ है, एक चैप्टर नंबर 14 आपका है, बट 11th में टोटल आपके 14 चैप्टर है, तो उसमें जो आपका 14 चैप्टर है वो EVS का, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, वो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है बहुत बार, भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो बेटा वो चैप्टर अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री में, तो इसीलिए उस चैप्टर को इस साल के लिए हटाया गया है।
अब बेटा जो ये हम चैप्टर फोर पढ़ रहे हैं ना, आप वो पीडीएफ खोल के देखना, चैप्टर फोर तो बेटा बिल्कुल आप ये मान लो फाउंडेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपको पता है ना तीन ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो पूरी जो हमारी फाउंडेशन, जो हमारी नींव है ना इनऑर्गेनिक की, वो चैप्टर फोर में है। मतलब अगर आपने इलेवंथ का ये चैप्टर फोर ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर आपको इनऑर्गेनिक लाइफ टाइम कभी समझ में नहीं आएगी ढंग से। सारा बेसिक आपको यहाँ इनऑर्गेनिक का पढ़ाया जा रहा है। तो इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आपका कट नहीं हुआ है। और बेटा किसी चैप्टर से कोई टॉपिक निकाला भी गया है ना, तो वो टॉपिक है मतलब जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ऐसे टॉपिक्स को रिमूव नहीं किया गया है जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पोर्शन है, थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट पोर्शन है, उसका कुछ टॉपिक आपका रिमूव किया गया है। लेकिन फिलहाल जो चैप्टर फोर हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई भी टॉपिक आपका रिमूव नहीं किया गया है। ये चैप्टर हमें पूरा डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब बेटा आप आगे देखिए, तो आप सभी बेटा आप उस टॉपिक को देखिएगा, ओके। अपने पीडीएफ खोल के हर एक सब्जेक्ट का आप चेक करना कि किस चैप्टर में हमारा क्या सिलेबस है, वो रिड्यूस हुआ है। चलिए अब इसके बाद आगे हम करते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अभी इस टॉपिक को समझने के लिए हम छोटी सी तरीके से यहाँ पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो बेटा जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो जनरली तीन टाइप की होती है। एक होता है sp3, एक होती है sp2 और एक होता है sp। अब ये सब मैं आपको थोड़ा सा तो अभी समझाऊंगी, लेकिन प्रॉपर इस टॉपिक को फिर बाद में करेंगे। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करती हूँ sp3, sp2 और sp में, ठीक है, तो इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा ना, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब आपको ये समझना है sp3, sp2 और sp में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले sp3 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, उससे बनता है sp3। sp2 का मीनिंग क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल होगा और दो आपके p के ऑर्बिटल होंगे, वो आपस में इंटरमिक्स होंगे। और अगर मैं बात करती हूँ sp का, तो sp का मीनिंग होगा एक s का ऑर्बिटल और एक आपका p का ऑर्बिटल। यहाँ पर 25% s होता है, 75% p होता है। यहाँ पर 33% s है, 67% p है और यहाँ पर 50-50% का रेशियो है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर sp3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, उसका मीनिंग है सिंगल बॉन्ड है। उसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कि कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। अब ऐसे नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है बिटवीन टू कार्बन एटम, ठीक है। और बेटा sp का मीनिंग क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन टू कार्बन एटम। बेटा सी एटम का मीनिंग क्या है, कार्बन एटम। तो ये आपकी तीन टाइप यहाँ पे होगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मीनिंग sp3, डबल बॉन्ड का मीनिंग sp2 और ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग sp। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, या आप ये भी कह सकते हो जितनी आपकी sp परसेंटेज कम होगी, जितनी आपकी sp परसेंटेज कम होगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होगी। तो सबसे लंबा बॉन्ड आपका कौन सा है, sp3 वाला है। तो ये टॉपिक आप कर लें। तो ये बेटा आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब इसके आगे आप देखिए, इसको रब कर देती हूं मैं। तो ये हमारा टॉपिक पूरा होगा पहला बॉन्ड लेंथ का। हम बॉन्ड पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं
कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनसे हम एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता करते हैं। तो उसमें फर्स्ट पैरामीटर हमारा कंप्लीट हो गया है बॉन्ड लेंथ का। अब इसके बाद बेटा हम सेकंड पैरामीटर यहाँ पे करेंगे, और सेकंड पैरामीटर है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का। सेकंड पैरामीटर इज बॉन्ड एंथैल्पी, या इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और सेकंड पैरामीटर इज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बेटा बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होता है पहले तो आप ये समझे। ओके, मैं एक बार ये चेक कर लेती हूँ कौन कौन बच्चे हैं क्लास में, फिर करवाती हूँ टॉपिक को कंटिन्यू। पोरस, ओके बेटा पोरस फर्स्ट टाइम आया है बेटा, डेली क्लास में आया करो। आशु ठीक है बेटा। निखिल हाँ बेटा, दो दिन से आप कंटिन्यू आ रहे हो, डेली आओ। आशु बेटा डेली क्लास ले रहे हो और लेते रहो वैसे ही। सचिन सबसे अच्छा बच्चा, डेली आता है। ज्योति ने आना शुरू कर दिया है। मुस्कान वेरी गुड बेटा, मुस्कान अब कल से आज से डेली क्लास में आपको रहना है। आर्यन बेटा पापा का नेम प्रमोद या अमन, आर्यन आर्यन यस मैम। बेटा पापा का नाम श्री प्रमोद या श्री अमन? अमन। बेटा आपने काम करो आर्यन, आपने ना इस नेम के आगे आज लिख लो ओब्लिक में पापा का नाम भी, ठीक है, ताकि फिर मुझे ना कल से पूछना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गौरव ठीक है, गौरव बेटा आप भी क्लास में डेली आया करो। गौरव बेटा आर्यन आपका ना फोन नहीं लगता, मैं कई बार ट्राई कर रही हूँ 5-6 दिन से। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? मान लो बेटा कोई भी दो एटम है और उनके बीच में एक बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, कि कम से कम कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ energy that must be required, the minimum amount of energy that must be required to dissociate, the minimum amount of energy that must be required to dissociate the bond between two atoms, between two atoms। इसका meaning क्या है बेटा? मान लीजिए मेरे पास ये एक एटम है ए और ये एक एटम है बी, ये इनके बीच का डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ है, तो हमें ए और बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का लगाना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। बेटा एंथैल्पी का मीनिंग एनर्जी होता है। तो दो एटम के बीच के बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। तो आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी भी मेजर किसमें होगी? बॉन्ड एंथैल्पी की यूनिट क्या बनेगी? किलोजूल पर मोल। यूनिट क्या होगी बेटा? किलोजूल पर मोल। ओके चलिए अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर्स। ये तो आसान सी बात थी बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, अब इसके फैक्टर्स भी बड़े आसान है। बेटा पहले आप एक दो बातें सुन लो, फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये टॉपिक। भाई जितना लंबा बॉन्ड होगा ना उतना इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। बेटा एक तो आपके पास सिंगल बॉन्ड है, मान लो सिंगल धागा है, ठीक है, फिर मैंने उसी धागे को डबल कर दिया वो डबल बॉन्ड बन गया, और फिर मैंने उसी धागे को ट्रिपल कर दिया तो वो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो अब आप बताओ जो सिंगल थ्रेड था उसको तोड़ना इजी है, डबल थ्रेड को तोड़ना इजी है कि ट्रिपल थ्रेड को तोड़ना इजी है, बताइए बेटा लोग, कोई भी बोल सकता है? सिंगल को, सबको पता है बेटा ये बात। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होता है, बात समझ में आ गई आपको? तो पहला फैक्टर आप लोग लिखे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड,
हेडिंग तो सेम ही है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इफ बॉन्ड इज मल्टीपल, अगर हमारा बॉन्ड कैसा है, मल्टीपल है, मल्टीपल का मीनिंग डबल या ट्रिपल है, अगर हमारा बॉन्ड डबल या ट्रिपल है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ग्रेटर विल बी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है बेटा। अगर हमारा जो बॉन्ड है उसके बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा, तीन फोल्ड है, तीन लेयर है धागे की, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड से कम में किस में होगी, डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड से किस में होगी कम, सिंगल बॉन्ड। बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, आप कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ और आपको बताना होगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है। एक मैंने इथेन लिया, एक इथीन लिया और एक इथाइन लिया, इथेन, इथीन और इथाइन। अब आप में से कोई भी बता सकते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, बताइए बेटा। हाँ बेटा इथाइन की, इथाइन, इथाइन, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप देखो तो आपको समझ में आएगा, डेली आओ, ऐसा नहीं है तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा बेटा, आएगा। इथाइन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उससे कम इथीन में और उससे कम इथेन में। आपको ये ऑर्डर तो समझ में आ गया ना, ये एरो इस तरफ है, ज्यादा किसकी है, इथाइन की, इथाइन से कम इथीन और इथीन से कम इथेन। तो आपको पहला फैक्टर समझ में आ गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब दूसरा फैक्टर समझो, इसको रब कर रही हो बेटा, ठीक है, कुछ लिखना रह जाता है तो रिकॉर्डिंग में से देख के नोट कर लिया करो बेटा। तो अब मैं आपको सेकंड फैक्टर समझा रही हूँ और फटाफट से दो टॉपिक बचे हैं उसे पूरा करते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा साइज ऑफ एटम। बेटा पहले आप एक बात का जवाब देना, एक तो आपके पास बिल्कुल छोटा सा धागा है और एक आपके पास लंबा धागा है, ठीक है, तो आपके स्मॉल थ्रेड को तोड़ना आसान है कि लंबे थ्रेड को तोड़ना आसान है, बताओ बेटा। लंबे को, लंबे को बेटा, लंबे में ग्रिप बढ़िया बनेगी ना, ऐसे उंगलियों में फंसाओगे दोनों साइड से और ऐसे इजिली ब्रेक कर दोगे, लेकिन छोटा धागा होगा तो ग्रिप कम बनेगी तो वो जल्दी से टूटेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है जितना लंबा बॉन्ड होगा ना उतना उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, मतलब बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की एनर्जी घटेगी। यहां पर आप लोग ये बात लिख लें कि अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड एनर्जी के अपोजिट में होता है, जितना बॉन्ड लंबा होगा उतना ही बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, इनवर्स में लाई करता है बॉन्ड लेंथ किसके, बॉन्ड एनर्जी। हो गया ना बस टॉपिक, इतनी सी बात समझनी थी। तो ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, जितना एटम का साइज ज्यादा होगा उतनी ही कम होगी बॉन्ड एंथाल्पी, लेसर विल बी बॉन्ड एंथाल्पी। जो बेटा ऊपर मैंने समझाया है उसी बात को यहां लिखा है, जितना एटम का साइज बड़ा होगा, या आप ये भी कर सकते हो ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एंथाल्पी कम होगी। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देना भी, मैंने ये चार एग्जाम्पल लिखे हैं, एच आई, एच बी आर, एच सी एल और एच एफ, इन चारों एग्जाम्पल में से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है बताओ, सबसे लंबा बॉन्ड एच आई, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, एच आई का बॉन्ड सबसे लंबा है, इन चारों में से किसका बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है, एच आई का, बिल्कुल ठीक है। और इन चारों में से किसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एच एफ, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप सभी, एच और एफ के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि एफ जो है इसका साइज सबसे छोटा है, अगर एटम का साइज छोटा है मीन्स उसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी है, और अगर बॉन्ड लेंथ होगी कम तो बॉन्ड एनर्जी होगी ज्यादा। तो हम तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, तो आपका ये ऑर्डर बना ना किसका,
बॉन्डेड एनर्जी का, बॉन्डेड एनर्जी का, ठीक है कर लेंगे बेटा। तो ये आपका सेकंड फैक्टर हुआ साइज ऑफ एटम। अब इसके बाद थर्ड फैक्टर आप लोग देखिए, बस लास्ट फैक्टर हमारा बचा है। हेलो तो अब बेटा यहाँ पे थर्ड और लास्ट फैक्टर आप लोग देखिए, अभी एक मिनट में हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है आपको पता है कि आवाज नहीं, खुद को म्यूट कर ले। sp3 sp2 और sp, sp3 का मीनिंग सिंगल बॉन्ड, sp2 का मीनिंग डबल बॉन्ड और sp का मीनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तीन बॉन्ड हो गए आपके, सिंगल डबल और ट्रिपल। सबसे आसान किसको है तोड़ना, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी लिखूं तो आपको पता है सबसे आसान कौन सा बॉन्ड है तोड़ना, सिंगल बॉन्ड। बट इसमें सिंगल लेयर है ना एक, तो सिंगल बॉन्ड की सबसे कम बॉन्ड एनर्जी हुई, डबल की उससे ज्यादा हुई, ट्रिपल की उससे ज्यादा हुई, मतलब sp की सबसे ज्यादा, उससे कम sp2 की और सबसे कम sp3 की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कर लोगे ना, हो गया। तो अब एक एग्जाम्पल है देखिए, एक तो मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया और एक ये लिया, तो आपको ये बताना है इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहाँ लगेगी, इन तीनों में से किसके बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। बोल सकते हैं हाँ जी, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, जहां पर कैसा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, वहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, मतलब जितनी एस की परसेंटेज ज्यादा होगी उतनी हाइब्रिडाइज, उतनी ही बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। लिख लो आप यहाँ, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। जितनी आपकी S की परसेंटेज बढ़ेगी, बेटा मैंने समझाया था ना पीछे आपको, ये sp है, यहाँ पे S 50% है, यहाँ पे S 33% ही है और यहाँ पे S 25% ही है। तो जितनी आपकी S की परसेंटेज ज्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इन तीनों में से जो आपका ये है CH ट्रिपल बॉन्ड, CH इथाइन, इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, इससे कम इथीन की और सबसे कम इथेन की। तो ये बेटा आपका पूरा टॉपिक हुआ आज बॉन्ड पैरामीटर के, दो टॉपिक हमने किए, बॉन्ड लेंथ का टॉपिक किया और बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक बेटा छोटा सा टॉपिक आपका रह गया थर्ड, वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं हो पाएगा।